बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलाम वालेकुम। हम डॉक्टर हकीम सैयद इमरान अब्बास आपको अल सैयद चैनल पर खुशाम देख कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज मैं आपको गर्मियों का एक बहुत ही लजीज और मज़ेदार तोहफा बताने लगा हूँ। इस्तेमाल तो आपने पहले भी किया होगा, मगर मैं आपको इसका असल नुस्खा और असल तरीका आपको बताऊँगा, जिसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा भी होगा और जिगर मैदे और मसाने की गर्मी भी दूर हो जाएगी। अगर मुंह पकता हो, जिगर मसाने की गर्मी हो, आँखों में पपलाहट यानी आँखों में पीलापन हो, या जर्द जरकान हो, हेपेटाइटिस ए बी सी हो, या हाथ पांव जलते हों, पेशाब बार बार जल के थोड़ा थोड़ा आता हो, तो इसके नुस्खे के इस्तेमाल से हमेशा के लिए आपकी मैदे और जिगर और मसाने की गर्मी दूर हो जाएगी। गर्मियों में इसका इस्तेमाल लाजवाब है। इसके इस्तेमाल में आपको ये फ़ायदा होगा कि बार बार आप डॉक्टरों हकीमों के पास जाते हैं, उससे आपकी जान छूट जाएगी। बोतलें वगैरह लगाने की भी आपसे हमेशा के लिए आपको निजात मिल जाएगी। आपने एक पाव, डेढ़ पाव आपने आलू बुखारा लेना है और एक पाव इमली लेनी है, और अनार दाना एक छटाक आपने लेना है। इसे आपने मिट्टी का कूजा लेना है, उसमें तकरीबन जिसमें 3 किलो पानी पाया जा सके, 3 किलो पानी में आपने रात को इसको भगो देना है और सुबह उठकर 1-1.5 गिलास आपने पी लेना है। कोई मलना छालना नहीं, आपने बस ऐसे करना है, जब पानी निकालें तो उसे एक दफ़ा फेंट ले, उसमें चम्मच से नहीं वैसे ही फेंट ले, जैसे जग में पानी डालकर एक ऊपर नीचे किया जाता है, आपने उसे फेंट लेना है और सुबह 1-1.5-2 गिलास आपने पी लेने हैं। दोबारा इसमें 1.5-2 गिलास जितना पीना उतना उसमें डाल देना है। ये प्रोसेस आपका 15 दिन चलेगा। बार बार इमली, आलू बुखार और अनारदाना आपने नहीं बदलना। जितना ज़्यादा लॉन्ग पीरियड होगा, यानी 1.5-2 हफ्ता इसकी मियाद होती है, आपकी जिगर और मैदे और मसाने की गर्मी हमेशा के लिए चली जाएगी। इसका इस्तेमाल करें, और बहुत ज़्यादा आपको जिगर मैदे के फैटी लीवर का मसला हो, पित्ते का मसला हो, मैदे की सोजश फरम का मसला हो, गैस कब्ज का मसला हो, इस एक नुस्खे से आपकी निजात हो जाएगी। चंद रुपयों से आपकी गर्मी से भी निजात होगी और डॉक्टरों से भी जान छूट जाएगी। इस्तेमाल करें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।